इफ आप अगर गालियों जैसी अश्लील भाषाओं से संकोच बोध करते हैं देन ये वीडियो आपके लिए नहीं है। इफ यू आर हेजिटेंट अबाउट वर्गल लैंग्वेजेस लाइक अब्यूसेस देन दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। और हाँ, इस वीडियो को देखकर जिनको परेशानी हो रही है वो निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। Hey, what is up people? My name is Neil and you're watching Spectra. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. So today I'm going to talk about the list of 10 things you can do to get out of your boredom in quarantine. भाई ये क्वारंटाइन क्या होता है? अबे चूतिया, लॉकडाउन। आसान भाषा में कहे तो गृहबंदी। सो आज के वीडियो का टॉपिक है इस क्वारंटाइन की चुतियापे में बोरियत से कैसे निजात पाया जाए। एंड बांग्लादेश जो बोली बोका चोदा अमर क्वारंटाइन जीवन थे कि भावे रुखा पाओ। सो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई चुतियापे के आज का ये वीडियो। ओह माय गॉड, वाओ। नंबर वन, वॉचिंग नेटफ्लिक्स सीरीज। I lied to you. I don't have Netflix. Take off your clothes. 2020 में Netflix एक ऐसी चीज बन गई है, ऐसी खतरनाक चीज बन गई है ना, जिसके गान में ना सब ऐसे घुसते कि मानो बहनचोद गान नहीं एक पूल है, स्विमिंग पूल। सो आजकल आपने ये भी सुना होगा, Netflix एंड चिल ब्रो सभी करते हैं। भाई घर बैठे बैठे Netflix देखो और चिल करो। भाई इतने सारे सीरीज है, क्यों नहीं देखूंगे आप? So, তোমরাও যদি এই বোকা চোদা মো করতে চাও তাহলে তোমরাও করতে পারো। বিকজ রোদ্দুর রায় চাঁদ উঠেছিল গগনে গাক কিংবা না গাক, নেটফ্লিক্স এ প্রতিটা দিন একটা একটা করে নতুন নতুন সিরিজ আসে যেগুলো অনেক এডুকেশনাল। ফর এক্সাম্পল সেক্স এডুকেশন, ইউ নো হোয়াট আই মিন, রাইট? সো বিনা বাতে চোদে লাগ যাও মিত্র নেটফ্লিক্স এন্ড চিল করনে। नंबर टू इज टॉकिंग विद अ लॉन्ग लॉस्ट चाइल्डहुड फ्रेंड्स। कहते हैं यारों के बिना लाइफ झंड हो जाती है, बिल्कुल झंड, समझे ना आप क्या बोलना चाह रहा हूं। सो इस लॉकडाउन में बाबू शोना और रेंडी रोना से बेटर है अब अपने ओल्ड बडीज, मतलब आपके पुराने जो मित्र है ना, मित्रों, हाँ वही मित्र, उनसे बातें करो और अपनी पुरानी यादें ताजा करो। इससे बेहतर और क्या हो सकता है भाई, हम भी कर रहे हैं, आप भी क्यों ना करो और उनसे बातें करो, उनको जानो, वो उन्होंने लाइफ में क्या क्या किया है, अचीव कर लिया है, क्या क्या उखाड़ लिया है लाइफ में, उनके बारे में जानो और मजे मारो। फूल सरी का एक छोटा सा लल्ला होगा मेरा कमोजी और उसका नाम मैं रखूंगा श्री गंगा प्रसाद। कमोजी आप मेरे उस लल्ले की मां बनेगी? नहीं। नंबर थ्री इज लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज। आसान भाषा में कहे तो नई भाषाएं सीखिए। आपको पता ही होगा कि आजकल के जमाने में ना एक अलग ही ट्रेंड बना हुआ है भाई, जिससे देखो स्पेनिश बोल रहा है, फ्रेंच बोल रहा है, जैपनीज बोल रहा है, मुंह से लोरा रेसिंग भी निकल रहा है। भाई आप अगर इस किसी पीटी लाइफ से निजात पाना चाहते हो ना, आप अगर जिंदगी में कुछ उखाड़ना चाहते हो ना, तो भाई नई भाषाएं सीखो इस क्वारंटाइन के पीरियड में एंड विदेशी माल पटाओ और अपने देश का नाम रोशन करो। सो जय हिंद। नंबर फोर इज टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। सो भाइयों और बहनों, वैसे तो मैं किसी को बहन नहीं मानता, फिर भी बहन कह देते हैं लोग, लोगों को सुनने में अच्छा लगता है इसलिए। So, आज के इस क्वारंटाइन टाइम में हम सब मतलब मैं भी अपने लैपटॉप, अपने फोन्स, अपने आईपैड्स, अपने आईफोन्स के गान में ना ऐसे घुसे हुए कि गान ही मांग लेंगे उसको उसके। सो क्यों ना गान में घुसने की बजाय इसका सदुपयोग करें एंड इससे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाए। मेरा नाम है इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप मेरा शैतान का चेला, खाएगा केला? नहीं।
और हाँ भाई, अट्रैक्ट करना है लड़कियों को, अपना स्वैग बढ़ाना है, तो भाई आज के इस टाइम पर ना अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान दो। इफ आप अच्छे से बोलोगे ना तो हर कोई अट्रैक्ट होगा, है कि नहीं? आधी प्रॉब्लम तो वही सॉल्व है ना बहन चोद। सो घर बैठ के हिलाना बंद करो और फटाफट काम पे लग जाओ। नंबर फाइव, वर्कआउट एट होम, मतलब घर में बैठे वर्कआउट करो, पुशअप पुशअप लगाओ। आप सभी को पता होगा डोले वाले लड़कों की अलग ही स्वैग होती है, जहां डोले वाले लड़के हैं वहां पर लड़कियां ऐसे ऑटोमेटिक चली आती है। सो क्यों ना मित्रों, अब चूतिए बस ना मित्रों मित्रों कह के गान मार ले अब। सो भाई और बहनों, बिना टाइम वेस्ट किए करने लग जाओ घर पे वर्कआउट एंड बन जाओ रणदी बाज। या रणदी बाज, डू इट, जस्ट डू इट। सो जीवन में बाइसेप बनाओ, लड़कियां लाओ, वरना नल्ले रह जाओ। और हाँ, कब तक दूसरों की बॉडी देखते चलते रहोगे भाई? अपने घान को ना सोफे से उठाओ और पुशअप लगाओ, पुशअप, समझ आई बात? नो गॉड प्लीज नो नो नो। नंबर सिक्स इज प्ले गेम्स। भाई आजकल के जमाने में किसने पबजी के बारे में नहीं सुना? सबको ही पता है पबजी क्या होता है। सो आप अगर लोडू प्लेयर्स एंड बॉट्स की गार्ड मारना चाहते हो गोलियों की बरसातों से, स्नैक, I'm a snack. Bro, I'm gonna be butt-ass naked for the women to be hitting my balls and shit. Hey, bro, watch your jet. Watch your jet, bro. Watch your jet! As motherfucker. So, फटाफट एक गेम उठाओ और विनर होना है, चिकन डिनर बन जाओ, समझे बात? और हाँ, नल्लों की कमी नहीं है यहाँ भी। सो घर बैठे बैठे बंदूकें उठाओ, उनकी गार्ड में दबादब गोलियां मारो और जीवन का आनंद लो। आनंद, यू नो व्हाट आई मीन, क्या आनंद आ रहा है जीवन में। बाकी तो बहुत सारे गेम्स है ऐसे, बट पबजी में जो मजा है ना वो किसी और गेम में नहीं है। सो भाई और बहनों, लग जाओ, घुस जाओ पबजी में और ठकाठक गोलियां मारो। Another one. Number seven is to start an online business. घर बैठे बैठे कौन चूतिया नहीं कमाना चाहता यार? 21 दिन में पैसा डबल है? उसके और 21 दिन बाद पैसा चार गुना, उसके और 21 दिन बाद पैसा आठ गुना, उसके 16। मैं भी कमाना चाहता हूँ, तुम भी कमाना चाहते हो, सब कमाना चाहते हैं। सो नल्लो कुछ काम कर लो, वरना जिंदगी भर अपनी लुगाई के रोटियां बेलते रह जाओगे और घंटा कुछ नहीं कर पाओगे। जब लुगाई कहेगी रोटियां बेला कि नहीं, बेल रहो बेल रहो बेल रहो। सो पैसे कमाओ, सुट्टा लगाओ, नहीं तो गांड मराओ। आगे बात समझ में? भाई मैंने तो स्टार्ट कर दिया है। सो नल्लो काम कर लो, काम, समझी बात? नंबर एट मतलब नंबर आठ, आपने सही समझा। वैसे आज मैं ना आपको एक लाइफ की कड़वी सच्चाई बताने वाला हूं। बेटे बता, इंडिया की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी। वाह, नेशनल बर्ड? मोर। नेशनल टाइगर? अबे चूतिए टाइगर ही नेशनल एनिमल है। अरे यार जो भी है यार। अच्छा ये बता, नेशनल काली कौन सी है? अरे चोदू, नेशनल काली वाली कुछ नहीं होती। नहीं होती तो होनी चाहिए। कौन सी? भैन चोद। वैसे आपको पता भी होगा आई थिंक कि वैसे ना सब लोग फोकट में पैदा होते हैं हम, बट फोकट में पैदा होकर बहुत सारे नल्ले ऐसे होते हैं ना जो पैदा होने के बाद ही नल्लों वाली लाइफ जीकर मर जाते हैं।
निकल रहा है भाई। अरे दम को पकड़ के रख मेरे भाई, दम को पकड़ के रख। याद है मेरा भाई कुंदन, वो धंधे वाली तेरे को याद है? नहीं। आपको क्या नल्लो वाली लाइफ जीना है? आपको क्या ऐसे फोकट में पैदा होकर मरना है? इफ नहीं मरना है तो यार अपने स्किल्स पर ध्यान दो। नहीं। इंटरनेट पर बहुत सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स है जहां पर आपके स्किल्स का सदुपयोग कर सकते हो आप और पैसा कमा सकते हो उस पर घर बैठे बैठे। हाँ वही जो आपने सुना समझा, जो मैंने बोला, घर बैठे बैठे पैसा। सो अपने स्किल्स का सदुपयोग करो एंड पैसा कमाओ एंड अपना नुन्नू मत हिलाओ भाई। नुन्नू भाई इस क्वारंटाइन के टाइम पे ना सब नुन्नू हिला रहे आजकल बैठ बैठ के। भाई प्लीज रिक्वेस्ट आप सब लोगों से नुन्नू मत हिलाओ और फटाफट लग जाओ काम पर और अपनी बंदी को अच्छा सा गिफ्ट दो इन पैसों से, ठीक है? क्वारंटाइन के बाद समझ आई बात? हाँ समझ आई कि नहीं? और निकम्मो सब कुछ का मुझे ही बताना पड़ेगा, खुद से भी कुछ कर लो भाई। सब चूते बैठे हैं, मुझे ही बताना पड़ रहा है सब कुछ। हाँ बता दे अपना स्कीम सबको बता दे। अरे सॉरी भाई सॉरी, लगता है मेरा फ्रेंड आज बहुत गुस्से में है। सो भाई और बहनों अपने स्किल का सदुपयोग करो एंड लग जाओ काम पर, पैसे कमाओ भाई। नंबर 9 इज टू वर्क ऑन योर वीकनेसेस। आसान भाषा में कहे तो अपने कमजोरियों पर काम करना। वैसे आज मैं ना एक कमाल की बात बताने वाला हूँ आपको, ध्यान से सुनना, हाँ ध्यान से मन लगा के। Seriously, what the fuck are you doing? So, गार्ड ना सबकी फटती है, किसी की जल्दी फटती है, किसी की बाद में फटती है, बट फटती जरूर है। सो तुम्हारी गांड फटने से पहले ना अपने कमजोरियों पर ध्यान दो बच्चों, समझी बा? और ध्यान देकर अपने वो कहते ना वो हाँ तुमने जो समझा वही उसी की बात कर रहा हूं मैं, समझी बा? वो उस पे काम करो और अपने आप को स्ट्रांग करो ताकि कोई आपका बाल भी बका ना कर पाए, समझी बा? अबे चूतिए तेरी बकचोदी खत्म नहीं हुई क्या भाई? भाई बस एक पॉइंट रहेगा, बस एक पॉइंट। नंबर 10 मतलब 10 टू डेवलप ए न्यू स्किल। अरे बैंचोद इन्हें पहले जो तूने बोला है वो तो समझ लें दे, फिर डेवलप करेंगे ये न्यू स्किल। सो मित्रों अबे बस करना बैंचोद, दिमाग की दही गलती तूने। सो गाइस अपने मुंह मार के उतार दो एंड अपने अपना एक नया स्किल डेवलप करो इस क्वारंटाइन के पीरियड में। आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो में।